इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री दिग्गी राजा जी, दिग्विजय सिंह जी, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनका आगमन आज सिरे बुंदेलखंड सुजान सिंह बुंदेला जी की गढ़ी आवास पर हुआ और उनसे उनके हालचाल पूछे, कुशल से पूछे। लेकिन उनका आगमन जब जनपद में हुआ तो राजनीतिक गलियारे में हलचल हो गई, उथल पुथल शुरू हो गई। लोगों ने कई अनेक कान्यास लगाना शुरू कर दिए, अनेक प्रकार की बातें शुरू कर दी, क्योंकि वर्तमान में राजनीति पहल चल रही है, राजनीति उसूल चल रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है और दोनों पार्टियों ने, भाजपा ने और सपा ने, अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, कांग्रेस अभी शून्य है। ऐसी स्थिति में सिरे बुंदेलखंड सुजान सिंह बुंदेला के यहाँ एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी का आगमन उनके कुशल से पूछने को लेकर हुआ तो मीडिया ने उनसे कुछ हालचाल जाने तो दिग्विजय सिंह जी ने अपने विचारों में कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दिया है कि बुंदेलखंड में अगर राजनीति की चर्चा होती है तो उस चर्चा का सिरमौर बुंदेला परिवार होता है। तो ऐसे राजनीति की चर्चा के सिरमौर हमारे साथ पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला जुड़ चुके हैं ललितपुर लाइव टीवी से। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपका अभी वर्तमान में स्वास्थ्य कैसा है? भैया राजीव जी, जब से जनपद बुंदेलखंड और जान पहचान के हमारे हितैषी लोगों की दुआएं मिली हैं, हमको आशीर्वाद मिला है, तब से अपने आप हमारी तबीयत ठीक हो गई। दवाई की हम समझते हमें ज़रूरत कम पड़ी, दुआओं की ज़्यादा पड़ी, और वे दुआएं भरपूर हमें मिली हैं। आज उसी का नतीजा है कि आपके बीच में हम बैठे। जैसा कि दाऊ, आपने पूर्व में भी अनेक चर्चा की और आपका कहना भी और जनता का मानना भी है, एक छोटी सी गांव सभा होती है उसमें आप प्रधान रहे और लोकसभा के सांसद भी रहे, ऐसे जो आपकी राजनीतिक यात्रा है और बुंदेलखंड में अनेकों उपलब्धियां आपने जनता के बीच में रखी, जनता ने उसका सुख लिया, तो आने वाले 2022 में आपकी क्या भूमिका है और क्या तैयारी है? देखिए, फिलहाल तो हमारा स्वास्थ्य हमको इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम किसी चुनाव की फील्ड में जाएं या उतरें। ये तो पहला हमारा प्रयास है, आप लोगों का भी शायद होगा, आवाम का भी होगा, कि सुजान सिंह बुंदेला का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, और अगर ठीक हो गए तो फिर वो तो 2022 है ही, देखा जाएगा, क्यों नहीं देखेंगे इसको। पूर्व में आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं ठीक होने के उपरांत बुंदेलखंड के जनपद ललितपुर के क्षेत्र में द्वार द्वार जाकर सभी लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, तो आगामी 2022 आभार चुनाव होगा? नहीं, उसको लोग भले ही चुनाव दृष्टि से देखें, प्रेस देखें, आप देखें, लेकिन हमारी अंतरात्मा केवल इसी को लेके जाएगी कि हम सबको जो है धन्यवाद देंगे कि आपने जो ईश्वर से दुआ मांगी हमारे लिए, आपने जो आशीर्वाद दिया, आज हम आपके बीच में आए हैं। इतने बड़े जीवन काल में जहाँ डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई गांव सभा और सबसे बड़ी इकाई लोकसभा, इतनी बड़ी यात्रा में जो आपने आशीर्वाद दिया है, इतने बड़े में जो कुछ हमारी गलती बनी हो, जो हम पे आपको दुखी किया हो जरा भी, तो हमको क्षमा करना, माफ़ करना, ये कहने हम जाएंगे। आप उसको किसी भी दृष्टि से देखें, कोई भी देखे, हमें इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे जाना है। जनता की दाऊ, जनता की सोच और जनता के विचार आपके प्रति इस बात को लेके हैं कि जो अभी वर्तमान की राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, सपा ने अपना, जबकि आप जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, तो आप जो सोशल मीडिया मीडिया के और जन चर्चाओं में जब जानते हैं, तो आपके अंदर जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष हो तो कैसा महसूस होता है वर्तमान राजनीति को देखकर? देखिए, दरअसल जिला परिषद का एक इतिहास रहा है, अंग्रेजों ने सबसे पहले इसका गठन किया था, इसका नाम था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंतर्गत वो सारे विभाग किए थे अंग्रेज ने, PWD भी, सिंचाई भी, शिक्षा भी, डेवलपमेंट सारे, केवल वन विभाग को, पुलिस को, राजस्व को छोड़ के। तो उस समय जिला परिषद का अध्यक्ष IAS ऑफिसर का करेक्टर रोल लिखता था, ये छोटा मिनी सचिवालय बनाया था अंग्रेजों ने। आज़ादी मिली हमको, आज़ादी के तहत जो हमारे अधिकारीगण हैं उनने महसूस एहसास किया कि जनता के लोग प्रतिनिधि इसमें हावी हो सकते हैं या हो जाएंगे, तब तो उन्होंने इसको ख़त्म किया, अधिकार ख़त्म किए, इसका नाम उन्होंने अंतरिम जिला परिषद रख दिया नाम उत्तर प्रदेश में। तो अंतरिम जिला परिषद सन 60 तक जब चली
तो उसके काफ़ी विभाग कटते छटते चले गए, केवल कांजी हाउस और एजुकेशन बची। बाद में फिर ने जिला परिषद नाम रखा, जिसमें हम थे अध्यक्ष 1974 में, पहला जन्म रहा, पहले अध्यक्ष हम रहे हैं। तो उसमें कुछ नहीं था, ना बजट था, ना पैसा था, ना कुछ होता था, वो तो सरकार की मर्जी के ऊपर, अनुदान मिल गया नहीं मिला, तनख्वाह नहीं बांट पाते थे, तो चलता रहा, चलाते रहे। फिर अब इसका नाम जिला पंचायत हो गया है, अब अच्छा खासा बजट भी आने लगा है, पैसे भी आने लगे। राजीव गांधी ने ही शुरुआत की थी, जब उन्हें एक बार अपने भाषण में भी कहा था कि हम बोरी सीमेंट की बोरी जब भेजते हैं गांव तक, तो छटते 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 वो चौथाई बच जाती है, तो उन्होंने कहा हम सीधा गांव में पैसा क्यों ना भेजें, ब्लॉक में क्यों ना भेजें, जिला परिषद को क्यों ना दें। तब से पर पार्टी चली आ रही है, वो दे रहे हैं, ये कांग्रेस की देन थी, राजीव गांधी की देन थी। तो आपके विचारों में कांग्रेस की विचारधारा समावेश है, और आपके जो मतलब राजनीतिक गठजोड़ है वो कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ जाना है, तो लोगों की जनता और लोग जो जनपद के रहने वाले उनका आपके प्रति एक ही अनुराग है कि आप इस बार चुनाव में आए। इसमें आप क्या कहना है? आपसे हमने कह दिया ना कि स्वास्थ्य हमारा कभी इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम किसी चुनाव किसी लड़ाई में हम पीछे नहीं हटते हैं, ना हटे हैं। देखिए, हमारी झांसी और ललितपुर की साझेदारी की सीट है पार्लियामेंट की, बाकी हम MLA हम पहले ले आए, तब झांसी के बनते चले आए थे हमारी जीत, तो पार्लियामेंट भी हम लाए। तो ये साझेदारी की सीट होने के नाते तो हमारा है, दो एक बार नहीं दो बार लाए। बेतवा नदी हमारे उनके बीच में एक सीमा रेखा है, तो हम तो चाहेंगे कि ललितपुर ज़िले का फिर से एक बार अपनी नज़र से सांसद देखना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है शरीर इजाज़त नहीं दे रहा है, देखना तो चाहेंगे हम एक बार। दाऊ, आप कोरोना महामारी के दरमियान आपने विदेश यात्रा की, क्योंकि अपने स्वास्थ्य को लेकर वर्तमान में आप ललितपुर में, ललितपुर की जनता, बुंदेलखंड की जनता को इस महामारी में आप विशेष क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आज जो हमारी सरकारी मशीनरी है, अधिकारी है, कर्मचारी है, जिस तरह से गांव-गांव घर-घर जाके कोविड का प्रचार कर रहे हैं, इंजेक्शन दवा देने की कोशिश कर रहे हैं, सबको लगवाना चाहिए, सबको, हर इंसान को, जहाँ तक जितनी सीमा रेखा उन्होंने 18 साल है 45 साल जितनी की है, हम तो विनती करेंगे, विनय करेंगे, अनुरोध करेंगे सबसे कि हर आदमी इसको लगवाए। जैसे कि पहले एक बार समय आया था इसका नसबंदी का, संजय गांधी पे सारा थोपा गया था, वो आज पैसे दे के लोग नसबंदी करा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आगे कोविड के इंजेक्शन पैसे दे के लोगों को कराने पड़े। इसलिए सबसे विनय है कि सब लगाएं। हमारे गांव में कोई लगा था, हम पहुंच गए, 170 लोगों ने लगाए, तो सब लोग लगाएं, अच्छी बात है। ये तो दुष्प्रचार पता नहीं कहां से कौन कर रहा, हमने पूछा भाई, उन्होंने कहा फलाने गांव में इतने मर गए, हमने तुमसे कौन ने की, कहीं फलाने जगह उनसे पूछ कर लो उन वेकल। तो ये सब चर्चाएं हैं, बिल्कुल ये तो अफवाहें हैं, इन पर ध्यान ना दे कि सब लोग कोविड के इंजेक्शन लगवाएं। दिग्विजय सिंह जी आपके आवास पर आए, इस संबंध में आपका क्या? हम उनके बड़े ऋणी हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत पहले से हमारे राजनीतिक और पहले से हमारे निकट संबंध है, पड़ोस के जिले गुना में रावगढ़ अब तो अशोकनगर बन गया, हम ललितपुर के हैं, तो आपस से मिलते जुलते रहे, पार्लियामेंट में रहे, अच्छे हमारे नेता हैं, अच्छे हमारे साथी हैं, उनका हमेशा आशीर्वाद दारा है, वो आज बुआए हैं, बड़ी दिल में खुशी भई। इसके पहले भी हम अमेरिका में थे, वहाँ बात करते थे फ़ोन पर, हिम्मत बढ़ाते थे हमारी, किस लड़ाई से लड़ना है और ये आप जीतेंगे इस लड़ाई को, तो अच्छे आदमी से हिम्मत हौसला जब इंसान के अंदर अपना देता है तो हौसला हिम्मत रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है। माननीय दिग्विजय सिंह ने सुशांत सिंह बुंदेला जी को जब अमेरिका में वो उपचार करा रहे थे तो उस समय उनको हौसला जहाँ उनके परिजन देते थे और उनके परिजन देते थे तो वहीं दिग्विजय सिंह भी फ़ोन पर उनको हौसला देते थे, और इम्यूनिटी जब दाव की बढ़ी तो वह अपने परिवार के साथ हैं, खुशहाल परिवार के साथ हैं। चुनगी ललितपुर मुख्यालय के शेरी बुंदेलखंड कुंवर सुशांत सिंह बुंदेला पूर्व सांसद, इनके आवास पर आज कुछ चहल पहल है, और जिस चहल पहल का कारण है कि दाऊ सुशांत सिंह बुंदेला विगत कई दिनों से बीमार चल रहे थे, उनको देखने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी उनके आवास पर पधारे, उनके हालचाल पूछे। उसी हालचाल के क्रम में ललितपुर लाइव TV उनसे राजनीति हलचल के तहत कुछ जिज्ञासा रखना चाहती है। राजा साहब, बताएं कि कांग्रेस का वर्तमान में क्या एजेंडा है और क्या चल रहा है? कांग्रेस इस देश का प्रमुख विपक्षी दल है, और उसने हमेशा गरीब वंचित वर्गों के लिए लड़ाई लड़ी है, और आज़ादी की लड़ाई के पहले और आज़ादी की लड़ाई के बाद
आज देश का जो एक मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचा तैयार किया वो कांग्रेस ने किया। और आप बार बार इस बात को मोदी जी दोहराते रहे कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और जितनी पूंजी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 2014 में, वो सब आज खुर्दबूत करने में मोदी जी लगे हुए हैं। बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेच रहे हैं, अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बेचने की फिराक में है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का राष्ट्रीयकरण, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा जी ने, और जो कि गरीबों के लिए हित में उन्होंने बैंकों के दरवाजे खोल दिए थे, अब उनका फिर से निजीकरण की प्रक्रिया मोदी जी करना चाहते हैं। तो कांग्रेस तो अपने लाइन पर चल रही है, और देश को जो कि कांग्रेस पार्टी ने विश्व के तीसरे नंबर पर लाके खड़ा कर दिया था, आज धीरे धीरे खिसकते खिसकते हम लोग 7वें नंबर पर पहुँच गए हैं। इसलिए कांग्रेस ही वो पार्टी है जो कि देश की तरक्की के लिए सभी समाज, सभी धर्म, सभी वर्गों को साथ लेकर चल सकती है। और ये सरकार तो अब आप देख लीजिए, पेट्रोल और डीजल 100 रुपये के पार हो गए, खाने का तेल 200 रुपये के ऊपर हो गया, इतनी महंगाई बढ़ गई है और लोगों को रोज़गार ख़त्म हो गया। आज गरीबों की हालत ये हो रही है कि उनके चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। हमारा और एक प्रश्न है, जिस तरह आप मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री थे, विगत में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, वो बदलाव जो हुआ है इसमें आप कांग्रेस को कमजोर मानते हैं कि भाजपा को मजबूत? देखिए, उनके पास पैसे इतने इकट्ठे कर लिए उन लोगों ने, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर की पार्टी है, हजारों करोड़ रुपये उनके पास हैं, और वे सारे पैसे जो हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। चाहे मेघालय हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो, झारखंड में अब वो कोशिश में लगे हुए हैं। विधायकों को 25 करोड़ 50 करोड़ रुपए जब ऑफर होते हैं तो विधायक भी चल सोचते हैं कि ठीक है। वर्तमान में कोरोना महामारी जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सब जगह फैली, तो क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव या उत्तर प्रदेश में जो ग्राम सभा के चुनाव थे, इस महामारी में फैलने में मुख्य कारण क्या चुनाव था? बात यह है कि पूरी तैयारी केंद्र सरकार ने नहीं की थी, उसको उम्मीद नहीं थी कि दूसरी लहर आएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव कराना बहुत खतरे का काम रहा है, और उसकी वजह से कई शासकीय कर्मचारी बेचारे कोरोना में उनकी जान चली गई, और उसमें भी कुंभ का मेला जो बड़ा आयोजन किया, उसकी वजह से जो जो कुंभ के मेले में गए वो संक्रमण होके वापस लौटे। इसलिए मैं समझता हूँ कि चुनाव की तो प्रक्रिया है तो, लेकिन जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दिया गया। रैलीज पर भी बंदिश उतने नहीं लगाई गई जितना लगाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी को मतलब फोकस किया गया है आगामी चुनाव को लेकर, तो आपके दृष्टिकोण में क्या ऐसी मतलब हुआ कि जो उसका काम? प्रियंका जी काफ़ी मेहनत कर रही हैं, सभी को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं, नए लोगों को अवसर दे रही हैं, मुझे उम्मीद है कांग्रेस अच्छा काम करेगी। मैं आपसे एक अंतिम बात करना चाहता हूं, आप दाऊ सुजान सिंह बुंदेला के यहां आए हैं उनको देखने के लिए, आपके पारिवारिक संबंध है, तो उनको राजनीति में उतारने का कोई मन है आपका? देखिए, बात यह है, इनके हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, और मैं तो ईश्वर की को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनके सेहत को जो सुधार में देख रहा हूँ, उनको नज़र ना लगे, ईश्वर उन्हें स्वस्थ करे, और राजनीति तो होती रहती है। नहीं, 2022 में आपका चेहरा लोगों को बहुत प्रिय लगने लगा, 2022 का इंतजार है, तो कांग्रेस क्या किस तरह से उनको लॉन्च करे? अब ये सब चीज़ें तो उत्तर प्रदेश के लोग तय करेंगे, मैं तय दिखाई करूँ। हमारे साथ थे दिग्विजय सिंह जी, और उन्होंने दाऊ सुजान सिंह बुंदेला के आवास पर आकर उन्हें हालचाल पूछे, उनको कुशलक्षेम पूछे, और उन्हें जानने के साथ कुल मिलाकर ललितपुर नगर जनपद में एक स्थिति माहौल कुछ दूसरा बन रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थिति का कुछ माहौल अलग है। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट, और आप देख रहे हैं ललितपुर लाइव टीवी की चित्रमय झलकियाँ।
के बीच में वह घिरे रहते हैं और लोग उनके हालचाल जानने के लिए आते हैं और हालचाल लेकर वह खुशी खुशी चेहरे पर खुशी और मुस्कान लेकर अपने घर जाते हैं मिलवा रहे हैं। जहां दाऊ सुजान सिंह मुंदेला जी के शुभचिंतक उनके उम्र दराज लोग हैं, तो वहीं बालक भी, नन्हे नन्हे बालक भी उनकी उनके प्रति स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उनके प्रति अपना अनुराग और प्रेम रखते हैं। मैं बात करा रहा हूँ एक नन्हे से बालक से। कृष्णा राजक, नाम अपना बताओ। मैं हर्ष करवार, ललितपुर से। मेरे पापा का नाम रंजीत सिंह चकरवार। मैं यही कामना करूँगा कि दादा जल्द से जल्द ठीक हो, स्वस्थ हो, और मैं इन्हीं के आशीर्वाद से पढ़ा हूँ, पढ़ता रहूँगा और बढ़ूँगा। धन्यवाद। हमारे लोगों का जो रुझान है और उनके मन में जो विचार है, वह दाऊ के स्वास्थ्य कामना को लेकर है। जहां राजनीतिक गलियारे की बात करें तो राजनीतिक गलियारे में दाऊ का जज्बा और जज्बात आज भी कायम है, बशर्ते 2022 का जो माहौल बनेगा, जो स्थिति बनेगी, उसके अंतर्गत देखा जाएगा। फिलहाल में पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासक के हमारे जो दिग्विजय सिंह जी, उनका आगमन आज हुआ था और उन्होंने पूरे परिवार के साथ मेलजोल किया, कुशलक्षेम पूछे और हालचाल पूछकर उनका यहां से जाना हुआ। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।